इधर साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर कुंड जो है यहाँ पर छोटा सा बनाया जा रहा है और किनारे, और इधर साइड आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर जाली बनाई जा रही है, आउटर बाउंड्री आप देख सकते हैं, ये जैसे सूर्य कुंड में डिजाइन बनाए गए हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी पत्थर से डिजाइन जो है इधर पूरे बने हैं बैकुंठ धाम के। और जय श्री राम, मैं पवन यादव अयोध्या से। सो गाइस, आज हम आपको दिखाते हैं कुछ हटके, यानी हटके मतलब हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है हमारे अयोध्या का शमशान घाट यानी बैकुंठ धाम। और बैकुंठ धाम मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे घाट बनाए गए हैं, मुर्दा घाट जहाँ पर बॉडी जलाई जाती हैं, बट बाढ़ के वजह से पानी भर जाता है। तो यहाँ पर एक नया घाट जो है वो बन रहा है, पहले बना था बट उसका रिनोवेशन हो रहा है और कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके, कुछ थोड़ा बढ़ाए जा रहे हैं। और जो बरसात के टाइम में दिक्कतें होती थी बॉडी वगैरह जलाने के लिए, शरीर जलाने के लिए, तो यहाँ पर वो चीज़ बनाया जा रहा है। हमारे पीछे इधर साइड देख सकते हैं, इसको कहा जाता है बैकुंठ धाम अयोध्या का, और जो कि NH-27 के पास, जहाँ पर आपको ये NH-27 दिख जाएगा, जहाँ पर ये पूरा हाईवे जो लखनऊ गोरखपुर हाईवे है वो जाता है, और उसके बगल में ही जस्ट आपको ये बैकुंठ धाम दिख जाएगा। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कितना जो डेवलपमेंट, कितना निर्माण अभी इस बैकुंठ धाम का हुआ है, वो चीज़ हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस साइड आप देखोगे ये मुख्य द्वार है ये बैकुंठ धाम का, और इसके बाद ही देखेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, पूरे निर्माण किए जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से गेट जो है ये पूरा बना हुआ है इधर साइड में, इधर देखिए, और यहाँ पर जो गेट बनाए जा रहे हैं इस साइड और इस साइड में, ये नए गेट बनाए जा रहे हैं, ये पुराने जो सफ़ेद वाला आप देख रहे हैं ये पुराना है, और इधर साइड ये पूरा नया बना रहा है। और इधर साइड आपको दिखाते हैं ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये देखिए पूरा बैकुंठ धाम का ये पूरा एरिया, और यहाँ पर बैठने के लिए इस साइड पर बनाया जा रहा है नया, और पहले यहाँ पे जो व्यवस्था थी बहुत ही कम थी, बैठने की सुविधा वगैरह नहीं थी ज़्यादा, और ये नदी का किनारा है आप जानते हैं। और इधर साइड देखिए सारी मशीनें खड़ी हुई हैं, और ये रास्ता बनाया जाएगा, पूरा इंटरलॉकिंग किया जाएगा। इधर देखेंगे साइड में नाली का काम उधर साइड हुआ है, ये पूरा आप देखिए, और किनारे किनारे बाउंड्री किया गया है जो कि पत्थर से, और इसकी रेलिंग वगैरह भी लगाई गई जिस तरीके से सूर्य कुंड में बनाया गया है रेलिंग, उसी तरीके से यहाँ पर भी बनाया जा रहा है इधर साइड। और पेड़ पौधे भी पूरे लगे हुए हैं इधर से लाइन से आप देख सकते हैं, ये पूरा आप देखिए। और इधर साइड आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर जाली बनाई जा रही है, आउटर बाउंड्री आप देख सकते हैं, ये जैसे सूर्य कुंड में डिज़ाइन बनाए गए हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी पत्थर से डिज़ाइन जो है इधर पूरे बने हैं बैकुंठ धाम के। और इधर साइड नाली जो निकाली गई है इस साइड में, और इधर पूरा देखें, और आगे हम आपको लेकर चलते हैं, इधर छोटा सा पार्क बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए पूरी जो है निर्माण हो रहे हैं, इधर साइड में वॉशरूम वगैरह इधर साइड बन रहे हैं, ये नया इधर साइड बनाया जा रहा है ये, और इधर साइड आप देखिए बैठने के लिए इधर साइड ये नया सब बन रहे हैं, अभी प्लास्टर नहीं हुआ है इधर साइड में, और ये छोटा सा गार्डन है। और यहाँ पर भगवान भोले शंकर जी का बड़ा सा स्टैचू भी बनाया गया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। इधर साइड आप देखिए दो दो छोटे छोटे गार्डन बनाया गया, एकदम हरियाली यहाँ पे है बैकुंठ धाम में, और बैकुंठ धाम को बढ़ा के घाट के और आगे ले गया है नदी के अंदर में। तो और भी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से पूरे बनाए जा रहे हैं। इधर बैकुंठ धाम का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, देखिए ये पहले सहारा के द्वारा ये पूरा बनाया गया था, बट इसको अब सरकार ले ली है और इसको अपने हिसाब से इसका निर्माण जो है वो करवा रही हैं। इधर साइड आपको हम दिखाते हैं अंदर में बहुत सारे जो देवी देवताओं की यहाँ पर पेंटिंग बनी है बड़ी बड़ी। इधर साइड भी आप देखेंगे, इधर नालियों का काम अभी इधर साइड अभी बचा हुआ है, इधर ईंटा वगैरह किस तरीके से बिछा दिए हैं, ये आपको डेवलपमेंट मैं दिखाने आया हूँ बैकुंठ धाम का, और कुछ यहाँ का माहौल जो है वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से बैकुंठ धाम जो है निर्माण इसके किए जा रहे हैं। इधर साइड आप देखिए, और इसका बैकुंठ धाम पहले यहाँ पे तक घाट था, बट इसको बढ़ा के देखिए नदी के और पास में लेकर गए हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ मंदिरों का निर्माण भी किए जा रहे हैं इधर साइड, और ये भोले शंकर जी का बड़ा सा यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है, वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं। और जो डेड बॉडी जलाने के लिए पूरा जो हॉल इधर बनाया जा रहा है, यानी जो रहता नहीं है टेंट पे, पूरा इस तरीके से यहाँ पर बनाए जा रहे हैं लाइन से, और आपको दिखाते हैं इधर अभी इसका जो है फर्श वगैरह तैयार किया जा रहा है इधर साइड में। ये फर्श वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पर बन रहा है, ये देखिए यहाँ जेसीबी वगैरह खड़ी हुई है, और यहाँ का माहौल कुछ आप देखो इस तरीके से दिखता है ये।
ये पूरा देखिए, और ये सरयू नदी का तट पर ये पूरा स्थित है। और आगे दिखाते हैं, यहाँ पे छोटा सा कुंड बनाया जा रहा है इधर साइड, इधर साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर कुंड जो है यहाँ पर छोटा सा बनाया जा रहा है, और किनारे किनारे इधर आपको मंदिर वाला आकार जो है ये दिख जाएगा। इधर साइड में देखिए, एक दो तीन और चार, चार ये गुम्बद पूरे बन रहे हैं। इधर साइड देखिए सब कुछ किस तरीके से, ये जो बैकुंठ धाम है इसका डेवलपमेंट जो हो रहा है, सब चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है अयोध्या में। तो इसी तरीके से यहाँ का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि पहले इसका कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी, बरसात के टाइम में पानी भर जाता था, डेड बॉडी वगैरह जलाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो इस साइड में भी बहुत सारे इधर भवन कुछ कुछ ना कुछ बनेंगे इधर साइड में, ज़्यादा पता तो है नहीं। और इसके बाद यहाँ पर बांध टाइप में बना दिया गया है कि पानी अंदर ना आए, और कुंड और इधर साइड इन्वायरमेंट पूरा चेक करो पूरा। और इधर साइड हम आपको दिखाते हैं भोले शंकर जी का मूर्ति बनाई गई है, और ये छोटा सा ब्रिज बनाया गया, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इधर साइड आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से गार्डनिंग की गई है, और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर भोले शंकर जी का जो मूर्ति बनाई गई है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही बड़ा यहाँ पर बनाया गया है, और रात में लाइट वगैरह भी जलती है। इधर साइड आप दिखाते हैं, आप देखोगे आज का इन्वायरमेंट भी बहुत ही खूबसूरत है। प्रभु भोले शंकर जी यहाँ पर हैं, और उसके बाद देखिए बादल कितना प्यारा लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। बट अभी इसका निर्माण हो रहा है, अभी ये चालू नहीं हुआ है, दिनों में यहाँ पर चालू हो जाएगा। पहले भी चालू था बट निर्माण की वजह से अभी यहाँ रुका पड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखें, रुकने के लिए जो यहाँ पर परिवारजन आते हैं यहाँ पर रुकते हैं जब तक डेड बॉडी जलती है। तो यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं, फिर इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और इधर साइड में भी छोटा सा गार्डन बनाया गया, घास देखो बहुत ही ज़्यादा घास है, साफ़ सफाई तो पता नहीं होती कि नहीं, कि ये ग्रीनरी के लिए पूरा बनाए हैं। इधर साइड आपको दिखाते हैं, इधर साइड देखिए अभी इसका निर्माण जो है वो चल रहा है, पूरा डेंट पेंट चल रहा है पूरा। इधर साइड देखिए, इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अभी बना हुआ है। इधर साइड आप देख सकते हैं श्री गणेश जी का यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है, और इधर विष्णु जी, इधर साइड देखिए प्रभु श्री राम जी, और इधर हनुमान जी का। तो भाई आपने बैकुंठ धाम का अपडेट देखा, जहाँ पर निर्माण हो रहा है वो चीज़ आपने देखा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।